जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला है हम गायत्री शुगर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। शुगर बनाने वाली एक कंपनी है। हम सभी जानते हैं कि आजकल शुगर सेक्टर्स पे काफी लोग ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि शुगर्स बनाने वाली लगभग जितने भी कंपनियां हैं अब सिर्फ शुगर्स नहीं बनाती, उनकी पहचान सिर्फ चीनी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि अब शुगर्स बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं आपको एथेनॉल बनाते हुए भी दिख जाएंगी। और एथेनॉल भी आपको बता दूं कि गन्ने से ही बनाया जाता है जिससे कि शुगर बनता है। और एथेनॉल क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल के कह सकते हैं कि इसके बदले में देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद एथेनॉल खत्म होंगे या नहीं, ये इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, इसे एक बायोफ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए आजकल जितने भी देखेंगे बायोडीजल चलने वाली गाड़ियां हैं उसमें एथेनॉल का प्रयोग होता है। और ये इससे क्या होता है कि दोबारा इसे यूज किया सकते, पेट्रोल डीजल एक बार जो खत्म हो गया उसे दोबारा यूज नहीं किया सकता। इसलिए एथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे जो शुगर्स बनाती हैं वही एथेनॉल बनाते हैं, तो इस सेक्टर पर ध्यान लोग दे रहे हैं और देना भी चाहिए। देखेंगे तो खूब पिछले दिनों में रिटर्न बना कर दिया है गायत्री शुगर्स। समझते हैं इस स्टॉक्स में कि यदि किसी ने अब तक पैसा नहीं कमाया शुगर्स स्टॉक में तो कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करके वो सही लेवल कौन से जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लोग इसमें पैसा कमा सकते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो है अब वॉल्यूम भी लगातार आपको खूब तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में। और वॉल्यूम ऐसा सेक्टर है कि जैसे मैंने बताया कि डिमांडिंग सेक्टर है, तो वॉल्यूम इसमें आपको स्पष्ट रूप से हमेशा बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन की वॉल्यूम की बात करें तो 1 लाख है, जो कि पिछले एक एक सप्ताह में भी देखेंगे तो जहाँ पे 1-1 लाख की वॉल्यूम हो रही थी, अब एक एक दिनों में 1-1 लाख की वॉल्यूम होने लगी। ये डिपेंड करता है कि किस सेक्टर की डिमांड है, उस सेक्टर में ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पहले के दिनों में 1-1 लाख के वॉल्यूम पूरे महीने भर में होते थे अब 1-1 दिनों में होने लगे हैं। तो हम लोगों ने गायत्री शुगर्स काफी तक एक ओवरऑल व्यू ले लिया है। यहाँ पे मैंने काम भी आपको इसको बता दिया है कि कंपनी जो है आपको शुगर्स बनाने वाली ये कंपनी है, शुगर सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ में आपको एथेनॉल बनाती हुई भी दिख जाएगी, पूरा इस कंपनी का काम है। अब समझिए मार्केट कैप की बात करें तकरीबन 151 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। और हम लोग जब भी किसी पीनी स्टॉक की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका वैल्यूएशन कम से कम 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर ही बहुत ही कमाल की बात है। दूसरा बात, स्टॉक का पीई भी काफी सस्ता है। सामान्यतः जिस सेक्टर की डिमांड होती है, जो स्टॉक काफी डिमांडिंग रहता है उसकी पीई इतनी सस्ती नहीं होती, पीई काफी महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे पीई सस्ता है, यानी कि आप चाहें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कर सकते हैं सही लेवल देख के। और सबसे कमाल की बात है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो आरओसी अभी माइनस में नहीं है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे स्क्रीन वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दिखेगा आरओसी काफी कमाल का आरओसी, आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न कंपनी साल भर में निकाल कर दे सकती है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, कल का चार्ट देखेंगे, एक साल का चार्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं स्टॉक आपको अब जाके परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा था। और डाउन ट्रेंड को क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, उस डाउन ट्रेंड के ऊपर प्राइस जा चुका है और यहाँ पर भी देखेंगे तो प्राइस आपको उठते हुए नजर आएगा, यानी कि इस लेवल को फिर से ये ब्रेक करेगा और फिर ऊपर निकलेगा तो इजिली आपको 30 रुपए तक तो जाएगा, क्योंकि 30 रुपए तक प्रीवियस इसका कह सकते रेजिस्टेंस है। और 30 रुपए को ऊपर निकालेगा तो फिर इसके डबल, कम से कम डबल जाएगा, आप याद रखिए 50 से 60 रुपए तक बहुत कम समय में आपको इस स्टॉक का प्राइस जाते हुए दिखेगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, उनके लिए रणनीति ये रहेगी कि जब 25 रुपए के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस निकले, 25 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटा क्वांटिटी, और जब 30 रुपए के ऊपर निकले तो अब यहाँ पे हैप्पी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे महंगा पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा, लेकिन ये भी देखिए कि यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ इस शेयर को उठा रहे हैं तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब यहीं पे कुछ कुछ लोग बाय कर लेंगे तो उनको वेट करना पड़ सकता है, पता नहीं हो सकता है प्राइस इसके ऊपर जाए या कुछ समय फिर इसी रेंज में आपको आकर समय बिताए, तो आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। इसलिए जब ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट पर एंटर लीजिए, क्योंकि उस समय बहुत कम समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जब आप क्वार्टर्स नंबर देखते हैं तो आप पाते हैं कि कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में। शुगर स्टॉक्स जितने भी सब में लगभग अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर मार्च क्वार्टर रेट में देखेंगे तकरीबन 225 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में सिर्फ डबल डिजिट में हो रहा था, लेकिन इस बार 3 डिजिट में हुआ है। और कंपनी के उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़े हैं। जब भी किसी के पास पैसा आता है तो खर्चा बढ़ता है, जाहिर सी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है, यानी कि जो सिर्फ मेन बिजनेस से कमाई है वह भी बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में, बढ़कर इस क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गया। आप सोच सकते हैं कितने 100% का ये रिटर्न है। तो अच्छा खासा इसमें तेजी देखने को मिल रही है और तेजी आगे भी आपको देखने को मिलती रहेगी। और तेजी का मतलब होता है कि शेयर प्राइस में भी तेजी आएगी। बैलेंस शीट में जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंपनी के पास डेप्ट सिर्फ नाम मात्र का रह गया है, 131 करोड़ का आसपास। डेप्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का जिस हिसाब से
तेजी कंपनी में आ रही है, जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो भी डेब्ट है कंपनी इजीली इसको चुका सकते हैं। जो डिमांडिंग स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा रहता है, तो उसको लेकर घबराना नहीं है। और देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर्स में, यानी कंपनी के पास प्रमोटर्स कितने, तो आप पाएंगे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं तकरीबन 54% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं खुद अभी तक इसको ऑन किए हुए, अपने इसमें हिस्सेदारी बनाए हुए, ये भरोसे वाली बात होती है किसी कंपनी के उसके मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं। पब्लिक हिस्सेदारी 46% के आसपास है, यानी कि ओवरऑल देखें तो इसमें हिस्सेदारी के मामले में भी स्टॉक ठीक है और फंडामेंटल और काम भी बढ़िया है, तो ओवरऑल सब चीज बढ़िया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट करना बनता है। जिसके पास पहले से इसमें स्टॉक्स है वो बने रहिए, अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। जिसके पास नहीं है तो जो लेवल मैंने बताया वहां पर आप बाई कर सकते हैं। कोई भी मन में सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।